ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि एनटीए ने अपने लास्ट नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की थी कि 15 अप्रैल के बाद हम लोग आपको बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है यानी कि जेएनयू का एग्ज़ाम है वो कब होगा। इसके साथ ही अगर आप फॉर्म में कोई चेंजेस करना चाहो तो उसकी डेट क्या रखी जाएगी, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम है उसका जो शेड्यूल है वो 15 अप्रैल के बाद यहाँ पर जारी होने वाला था, ऐसा एनटीए ने बताया था। और ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो, इस नोटिफिकेशन में चीज़ मेंशन की थी। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर इस तरह से मेंशन किया गया था कि आगे की स्थिति क्या रहती है उसके रिगार्डिंग हम लोग जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे, यानी कि आपकी जो डेट है वो बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो है एनटीए ने नहीं बताया, तो इसका रीज़न ये है कि जो लॉकडाउन 14 अप्रैल तक यहाँ पर था उसे बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है इसीलिए जो है रिलीज़ नहीं किया गया। ओके, अब मैं उन लोगों की बात करता हूँ जो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमें फॉर्म में करेक्शन यानी कि हमें फॉर्म में जो है चेंजेस करने हैं तो उसकी डेट क्या रखी जाएगी। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अभी तो आप 30 अप्रैल तक जो है जेएनयू के फॉर्म भर सकते हो और अभी मुझे ये लग रहा है कि इसकी भी डेट आगे बढ़ाई जाएगी। और दोस्तों अगर आपको जो है यहाँ पर फॉर्म में जो है कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए देखिए आपको कम से कम 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, तो आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। 10 दिन का जो आपको टाइम दिया जाएगा और जब भी ये डेट आएगी तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस चैनल पे बता दूंगा, आपको कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले हम लोग आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट दे देंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी एग्ज़ाम की डेट है, ठीक है, फॉर्म में करेक्शन की डेट है, एडमिट कार्ड की डेट है, ये सारी की सारी अभी आना पॉसिबल नहीं है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 30 अप्रैल के बाद यूजीसी जो है अपनी जो गाइडलाइन है वो जारी करेगी, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर पहले ही अपडेट आ चुका है और मैंने पहले ही आपको वीडियो में बताया था। तो 30 अप्रैल के बाद हमें अब पता चल पाएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है जेएनयू का वो कब तक होगा, यानी कि इसका जो टाइम टेबल है वो 30 अप्रैल के बाद ही हमें पता चल पाएगा, आगे की स्थिति क्या रहती है उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे इसको लेके, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, आगे की कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे, आप लोग जानते हो कि सबसे पहले मैं अपडेट यहाँ पर आपको देता हूँ एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।